नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगी जिसे समझने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी अपने हाथों से नोट्स बनाइए। आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक होगा प्रोनाउन। तो हम सब प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो आपको सब पता होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन होता है जो आपका, जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए हेल्दी, राम गुड गोज टू स्कूल। तो कहीं ना कहीं तीनों जगह मैंने राम का प्रयोग किया है। हमने देखा कि ज़्यादा राम का यूज हो रहा है। हमने लिखा कि राम इज ए गुड बॉय, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम इज ए हेल्दी, राम का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है। और फिर लिखा है हमने कि राम गोज टू स्कूल, राम रोज स्कूल जाता है। तो कहीं ना कहीं हमने बच्चों वाली काम कर रहे हैं, बार बार राम का यूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शब्दों को डेकोरेशन है और डेकोरेशन मतलब बिगड़ जा रही है। तो हमने क्या करी, हमने थोड़ा सा चेंज की। हमने कहा तो कि हमने कहा राम बहुत अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है। हमने अभी अभी क्या कहा कि राम जो है वो बहुत अच्छा लड़का है और वह रोज स्कूल जाता है। तो हमने क्या करी, राम के जगह पर वह का यूज किया। हमने अभी भी राम के जगह पर वह का यूज किया है। तो वह के जगह पर ही और सी आ जाएगा। वह जो होता है वह के जगह पर ही या सी का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, नाउन के जगह पर कोई चीज़ यूज हो जाए तो वो उसके ही क्या है, हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पर कोई चीज़ प्रयोग में आए तो वो प्रो, और नाउन की बात आती है तो नाउन के स्थान पर आती है तो वो प्रोनाउन। ओके, क्लियर हुआ? तो प्रो प्लस नाउन यानी कि प्रोनाउन, प्रो प्लस नाउन मीन्स प्रोनाउन। तो दोस्तों, हमें परिभाषा से कोई मतलब नहीं है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन में सेंटेंस भी यूज करके आपको हम बताएंगे। अब आपसे पूछ दे कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या आता है। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या आता है। तो दोस्तों, आई, वी, यू, ही, सी, इट और जितने भी नेम होते हैं वो सब आते हैं। अब जैसे आप पूछोगे कि आई, वी, यू, सी, टी कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन है उसमें हम क्या यूज करते हैं, हमारा क्या आता है, तो आई और यू आता है, वी आता है। सेकंड पर्सन में हमारा यू का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन में हम ही, सी, इट और नेम, मतलब दुनिया, देश दुनिया का जितना भी नाम हो वो सब हमारा किस में आता है, थर्ड पर्सन में आ जाता है। अब आता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन में हूँ, विच, देखिए यहाँ पे हूँ, विच, दैट, व्हाट, हुम, हुज, एज। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हु जो हमारा है ये संजीव है और विच जो है वो निर्जीव है। मतलब यहाँ से ये तो हमारा पूछ देगा, जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वी, विच, दैट, व्हाट, हुम, डू, हुज, एज, ये सब हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। मगर इसमें जो हमारा ये हु है वो हम संजीव के लिए यूज करेंगे और जो हमारा निर्जीव है वो कौन सा होगा, विच होगा। तो विच हम किसके लिए यूज करेंगे, निर्जीव के लिए। तो अब आते हैं हम तीसरे टॉपिक पे जो हमारा है पॉजिटिव प्रोनाउन। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा आया है पॉजिटिव प्रोनाउन। यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन, तो अब पॉजिटिव प्रोनाउन की बात आती है जहाँ संबंध की बात आती है। मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब यहाँ पे हमें संबंध से मतलब होता है। जैसे माई, योर, हिज, हर, आवर, आवर्स यहाँ पे दिया है ना। तो दोस्तों, नोट हमारा पहला नोट क्या कहता है कि जिसके बाद नाउन आए तो वो हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है दिस इज माई बुक, जो यहाँ पे कह रहा है ना कि दिस इज माई बुक,
तो ये हमारा ये माई क्या है, ये जो माई हमारा है ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि कह रहे हैं यहाँ पर कि नाउन आए तो, मतलब जिसके बाद, तो हमारा माई के बाद ये जो बुक आया है तो ये क्या है, नाउन ही है। तो कह रहा है कि नाउन जो है वो बाद में आए तो हमें एडजेक्टिव का ये हो जाता है, और जिसके बाद नाउन ना हो तो वो हमारा प्रोनाउन हो जाता है। जैसे दिस बुक इज माइन, यहाँ पे दे रखा है कि दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये जो माइन है हमारा ये पहले आया है, तो ये हमारा क्या, ये माइन जो है वो क्या है, किसके बाद आया है, नाउन के बाद आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अब यहीं पर कहते हैं कि दिस बुक इज माइन, तो ये हमारा माइन प्रोनाउन है, क्लियर। ये हमारा एडजेक्टिव हो गया और यहाँ पे हमारा प्रोनाउन हो गया, क्लियर। चलिए अब आते हैं हम चौथे टॉपिक पे, जो हमारा है इनडिफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक, जिसे इन हिंदी में हम अनिश्चयवाचक कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो इसमें हमारा आ जाता है सम वन एनी वन एवरीबॉडी मैनी ऑल समबडी, इसमें और ये सब क्या है, ये सब हमारा जो है ये इनडिफिनिट प्रोनाउन है। तो ये क्या होता है, तो ये हमारा अनिश्चय वाला है जो आता है, तो ये हमारा रहा इनडिफिनिट प्रोनाउन। अब हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, ये क्या होता है, तो यहाँ अलगाव की बातें करना होता है। जैसे यहाँ पे हमने शॉर्टकट में लिखा है अलगाव, जैसे इंग्लिश में हम इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, और हिंदी में हम इसे अलगाव की बात भी करते हैं। जैसे इसमें हमारा आता है इच एवरी नाइदर आइदर नन, जब नन इच की बात करती है तो हमेशा याद रखो कि इच के साथ आए तो एवरी के साथ आए, तो इस सभी में सिंगुलर साउंड ही प्रयोग होती है, या तो वो इच के साथ आए या फिर एवरी के साथ आए, इच के साथ आए या फिर एवरी के साथ आए, तो इसमें हमारा क्या होता है, सभी के साथ सिंगुलर साउंड का क्या होता है, यूज होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि ईच ऑफ देम हैज कम, क्या लिखा हमारा, ईच ऑफ देम हैज कम, तो यहाँ पर कोई नेम नहीं आया है, आप देख सकते हो कि ईच ऑफ देम हैज कम, तो यहाँ पे कोई नेम नहीं आया, तो यहाँ पर ईच ऑफ जो है वो प्रोनाउन हो जाएगा। अगर नेम रहता तो नहीं होता, मगर यहाँ पे कोई नेम नहीं है इसीलिए हमारा प्रोनाउन हो गया। अब आता है हमारा वो छठा इम्पर्सनल प्रोनाउन। अब ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है क्या, इससे क्वेश्चन आते नहीं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, जो स्वयं के लिए यूज ना हो, यानी कि जो स्वयं के लिए यूज ना हो उसे ही हम क्या कहते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, और हिंदी में हम उसको स्वयं के लिए ना यूज हो यहाँ पे हमने लिखा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें हमारा होता है इट और देयर, इट के साथ हमेशा सिमिलर ही आता है, जो हमारा इट है इट के बाद जो है सिमिलर ही वर्ब आता है। जैसे इट इज रनिंग, जैसे इट इज रनिंग है तो हमारा क्या है, ये क्या हुआ है, वो सिमिलर ही हमारा है, जो इट इज जो हमारा इज है वो क्या है, सिमिलर है, तो हमारा सिमिलर वर्ब आ गया, तो हमारा ये रहा इम्पर्सनल प्रोनाउन। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे दिया है कि देयर की वर्ब नाउन पर डिपेंड, मतलब देयर भी जो है वर्ब के नाउन पे क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है। कैसे, तो देयर इज ए बॉय, और फिर यहाँ पे क्या रहेगा, देयर इज ए बॉय और देयर आर बॉयज, यहाँ के मैंने यहाँ पे दिया है कि एक लड़का, लेकिन यहाँ पे दिया है कि आर बॉयज, मतलब बहुत सारे, यहाँ पे जो लड़के हैं वो क्या हो रहे हैं, बहुत बहुत सारे लड़के हो जा रहे हैं, और ऊपर में यहाँ पे कह रहा है कि ए बॉयज, यानी कि एक लड़का। और फिर हमारा आ रहा है सातवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ई रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, तो हिंदी में इसे हम समन्वयवाचक कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे रेसिप्रोकल और हिंदी में समन्वय प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर, और एक होता है हमारा वन अदर, तो दोस्तों ईच अदर जो है वो हमारा ओनली टू के लिए यूज होता है, और वन अदर जो है वो हमारा मोर देन टू के लिए यूज होता है। कन्फर्म हुआ, ईच अदर ओनली टू, वन अदर मोर देन टू, तो ये हमारा है। आइए कैसे, ये भी हम आपको बताते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन में ईच अदर आता है तो ओनली टू के लिए आता है, अगर वन अदर आता है तो वो मोर देन टू के लोगों के लिए आ जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि ईच के साथ दो लोग आएंगे,
यहाँ पे मैंने लिखा भी है ओनली टू। तो ईच के साथ हमेशा दो लोग आएंगे और मोर देन से क्या होंगे, दो से अधिक होंगे। जैसे एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल दिखाते हैं हम आपको। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि राम एंड श्याम लाइक इच अदर, यहाँ पे क्या कर रहा है कि राम एंड श्याम लाइक इच अदर, यानी कि यहाँ पे सिर्फ दो लोगों की बात हो रही है। कौन कौन है वो, तो राम और श्याम, यहाँ पे सिर्फ राम और श्याम के बारे में बात हो रही है कि राम एंड श्याम लाइक इच अदर। ठीक है, अब दूसरा देखें, यहाँ पे दे रहा है कि दीज स्टूडेंट लाइक ऑन अदर, फिर यहाँ पे दे दिया है कि दीज स्टूडेंट लाइक वन अदर। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा बहुत लोगों के लिए होता है। अब यहाँ पे हमारे स्टूडेंट में बहुत आ जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए हो गया, हुआ क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ये रहा, ये रहा हमारा इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे अंत में सेल्फ आ जाए तो इसे इसे क्या कहते हैं, इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर, देखिए कैसे अंत में हमें क्या करना है, और अंत में सेल्फ आए तो ये हमारा क्या होगा, इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब क्या होगा, कब होगा, ये भी मैं आपको बताती हूँ। आवर सेल्फ और देम सेल्फ, यहाँ पे लिखा है हमने आवर सेल्फ और देम सेल्फ जो है हमारा क्या है, प्यूरल है। जहाँ भी दोस्तों ये सेल्फ आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, ये प्यूरल है। अगर सेल्फ आए तो हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अंत में अगर सेल्फ आता है तो वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, यहाँ पे लिखा है हमने। अगर वहीं सेल्फ का यूज होता है लास्ट में तो वो हमारा प्यूरल हो जाएगा। कैसे, तो अगर आवर सेल्फ आता है या फिर देन सेल्फ आता है तो वो हमारा प्यूरल है। जिनमें सेल्फ होते हैं वो क्या होते हैं, प्यूरल होते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो, पहले आप यहाँ पे देखो इम्पैथिक जो सब्जेक्टिव है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डिफरेंस में होते हैं। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या होता है, डिफरेंट होता है। कैसे, ये भी मैं आपको नीचे बताऊंगी। और रिफ्लेक्सिव प्रेडिकेट, इसमें क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल सेम होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है वो बिल्कुल जो हमारे होते हैं सेम होते हैं। सेम कौन होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, किसमें, रिफ्लेक्सिव प्रोडक्ट में। और जो हमारा होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट होते हैं वो हमारा होता है इम्पैथिक सब्जेक्टिव में होता है। अब आइए मैं आपको एग्जाम्पल में बताती हूँ कैसे। ये रहा हमारा एग्जाम्पल, तो इसमें दिया है कि राम हिम सेल्फ किल ए स्नेक, इम्पैथिक है हमारा। कैसे, तो इसमें कह रहा है कि राम ने क्या किया, सांप को मारा। किसको मारा, सांप को मारा। राम हिमसेल्फ किल ए स्नेक, यहाँ पे राम जो है वो क्या किया है, सांप को मारा है। और सेकंड जो है हमारा है कि राम किल हिमसेल्फ, राम ने स्वयं खुद को मारा है। यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, यहाँ पे इम्पैटिक हो गया। रिफ्लेक्सिव जो है दोस्तों वो क्या, यहाँ पे कह रहा है कि राम ने स्वयं खुद को ही मारा है। मतलब राम ने मारा है, यहाँ पे राम किल, राम ने मारा है किसको मारा है, तो हिमसेल्फ मतलब खुद को मारा है। क्लियर, ऊपर में हमारा हो गया कि राम ने सांप को मारा है, और दूसरे में हमारा कहता है कि राम ने स्वयं खुद को ही मारा है। तो यही हमारा हुआ। तो यहाँ पे राम दिया है और स्नेक दिया है। जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हम क्या बोले हैं कि डिफरेंट होगा, तो हमारा राम जो है सब्जेक्ट है, स्नेक जो है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे डिफरेंट हुआ। फिर रिफ्लेक्सिव में कह रहा है कि सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे राम किल, राम ने मारा, किसको मारा, खुद को मारा, तो सेम हुआ ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।